हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.27। इसमें कह रहा है ए हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 केजी राइज विद ए वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द क्रू एंड द पैसेंजर वेज 300 केजी। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय ए क्रू एंड पैसेंजर्स। ठीक है, फर्स्ट तो ये तो देखो दोस्तों, ये क्या है, फ्लोर ऑफ द हेलीकॉप्टर की है। ये क्या है, फ्लोर ऑफ द हेलीकॉप्टर है। ठीक है, और जितने भी पैसेंजर एंड क्रूज वगैरह है ना, उनको मैंने क्या बना दिया, सब सबका ये पैसेंजर एक ही बना दिया सबको। क्लियर। और इसका मास कितना है, जैसे देखो 300 केजी है। समझ में आया दोस्तों, ये कोई हेलीकॉप्टर के फ्लोर है और ये टोटल मास एंड टोटल जो पैसेंजर एंड क्रू है, जिसका मास कितना दे रखा है, 300 केजी दे रखा है। समझ में आया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्रू एंड पैसेंजर है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, आप कहोगे सर एक तो ग्रेविटी। अभी इसी की तरफ ध्यान दो, मैं जिसकी तरफ जिसके बारे में बोलूं ना, उसी की तरफ ध्यान दिया करो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये मेरा पैसेंजर एंड क्रू है जिनका मास 300 के लिए, मैं आपसे पूछूं कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप कहोगे सर एक तो ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना, और दूसरा इसमें कॉन्टेक्ट होने के कारण एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। समझ में, और वो कॉन्टेक्ट फोर्स कौन लगा रहा है, ये फ्लोर लगा रही है। कौन लगा रहा है, फ्लोर लगा रही है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि ये फ्लोर जितना इसके ऊपर लगा रही है इन पैसेंजर एंड क्रू के ऊपर, ठीक है, उतना ही फोर्सेज अकॉर्डिंग टू न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ये जो पैसेंजर एंड क्रू सेम मैग्नीट्यूड का फ्लोर पे लगाएंगे ना। अगर मैं ये फ्लोर का फ्लोर फोर्स ऑन द क्रू एंड पैसेंजर बाय द फ्लोर निकालू है ना, तो वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। मतलब ये क्रू एंड पैसेंजर भी सेम मैग्नीट्यूड का इस फ्लोर पे लगाएगा। ठीक है, तो अब आओ फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो ये दिस इज द माय फ्लोर, ये मेरी फ्लोर होगी है ना, और इन पैसेंजर एंड क्रू को मैं पार्टिकल मान लिया। क्या मान लिया, पार्टिकल मान लिया, और जिसका मास कितना दे रखा है, 300 केजी। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मतलब ये पैसेंजर एंड क्रू हैं जिनका मास कितना दे रखा है, 300 केजी। मैं आपसे पूछूं कि इस पार्टिकल पे ध्यान दो और कहीं ध्यान नहीं देना, तो आप कहोगे कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे सर, आप बोलोगे सर एक ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ और एक इसमें कॉन्टेक्ट होने के कारण एक नॉर्मल फोर्स है ऊपर की तरफ, और कौन ये नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, फ्लोर लगा रही है। क्लियर। ठीक है, और अब इसका एक डायरेक्शन भी दे लो, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव ले लो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है मतलब 300 केजी पैसेंजर एंड क्रू, ठीक है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है ना। अगर हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ वर्टिकल एक्सेलरेशन में हो रहा है, तो ये पैसेंजर भी का भी वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, या हेलीकॉप्टर ही उड़ रहा है पैसेंजर नहीं उड़ रहे, बताओ। तो इसका इनका भी एक्सेलरेशन होगा दोस्तों, कितना है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं, न्यूटन्स का सेकंड लो, एफ इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ एक्स इक्वल टू एम ई एक्स समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ई वाई और समेशन एफ जेड इक्वल टू एम ई जेड। ठीक है, हमें ओनली वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ही कंसिडर करना है, तो ये एक्स और वाई में कोई वो नहीं है फोर्सेज वगैरह। ठीक है, अब करो समीशन एफ वाई। समीशन एफ वाई का मतलब होता है कि जितने भी वर्टिकल फोर्सेस कम है उनको समीशन कर दो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के हिसाब से करना। देखो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और आप ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो, तो एफ एन पॉजिटिव कर दो क्या। ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इसको एफ जी कर दो क्या, है ना। मास कितना है इस पार्टिकल का, 300 केजी। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है ना, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 15। बस एफ एन इक्वल टू 300 इंटू 15 प्लस एफ जी, तो एफ एन इक्वल टू 3 15 45 डबल जीरो प्लस एफ जी 300 इंटू फोर, सिंप्लिसिटी के लिए जी कितना लग लेना, 10 ले लेना। ठीक है, तो एफ एन इक्वल टू 4500 प्लस 3000। ठीक है, तो एफ एन इक्वल टू
वन टू फाइव और ये होगा सेवन न्यूटन, ठीक है। तो एफ एन इक्वल टू 7.5 इंटू 10^3 न्यूटन फोर्स आ गया, ठीक है। अब ये क्या आया दोस्तों, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑन पैसेंजर एंड नॉर्मल फोर्स ऑन पैसेंजर एंड क्रू बाय द फ्लोर है, और इसका सेम मैग्नीट्यूड होगा, ये पैसेंजर भी इस फ्लोर पे लगाएंगे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स है ना, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो ये पूछ ही रहा है, वैसे देखो फ्लोर ऑन द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर कितना लगाएगा, 7.5 इंटू 10^3 न्यूटन, किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अगर फ्लोर इसके ऊपर ऊपर की तरफ लगा रही है तो ये पैसेंजर किस साइड में लगाएंगे, नीचे की साइड में लगाएंगे। पहला बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब आओ सेकंड पे, अब क्या करें सेकंड पे, देखो एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, मतलब ये सपोज करो ये अपना रोटर है, ठीक है, तो ये एयर पे कितना फोर्स लगा रहा है, कितना एयर पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो मैं सेम मैग्नीट्यूड का होगा, यानी एयर इसके ऊपर अगर जितना रोटर पे जितना लगा रही है उतना ही तो ये रोटर इसके उस पे लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन की थर्ड लॉ, ठीक है। तो मैं क्या निकाल रहा हूं कि एयर इस रोटर पे कितना फोर्स लगा रही है, फिर मैं उसको अपोजिट डायरेक्शन कर दूंगा, समझ में, ठीक है। और वैसे ही सी पार्ट में भी ये पूछ रहा है, फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर, क्लियर, ठीक है। तो अगर ये एक बार बताओ, ये हमारा रोटर है, ठीक है, ये घूम रहा है ना, और इसके नीचे ये पैसेंजर और ये हेलीकॉप्टर का मास्क अटैच कर दो, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं अगर इस रोटर की बात कर रहा हूं, ये घूम रहा है, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, आप कहोगे अगर सर रोटर को ओनली कंसिडर करते हो तो ये जैसे मान लो ये रोटर है अपना, तो इसको पार्टिकल मान लो ये रोटर, ठीक है। तो इस रोटर के पार्टिकल पे एक तो ये पैसेंजर एंड क्रू का मास एंड ये हेलीकॉप्टर का मास, ठीक है। तो आप कहोगे सर नीचे की तरफ तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा है ना, और जो ये घूमने के वगैरह के कारण एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो इसको लिख दो फोर्स ऑन रोटर बाई एयर, ठीक है। और इस रोटर का रोटर भी एक्सेलरेशन करेगा ना ऊपर की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना है, अगर इस ऊपर के डायरेक्शन को क्या मान रहे हो, पॉजिटिव मान रहे हो, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना दे रखा है, 15 m/s², बस फिर कुछ नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास गुणा एक्सेलरेशन, समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स, समेशन एफ वाई इक्वल टू एम ए वाई, और समीशन एफ जेड इक्वल टू एम ई जेड, ठीक है। यहां वर्टिकल डायरेक्शन के लिए एक्स वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, देखो फोर्स ऑन रोटर बाय एयर ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव ले लो सर, ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ है, एफ जी ले लो सर, और मास गुणा एक्सेलरेशन। अब यहां पर मास कौन सा आएगा बताओ, मास टोटल आएगा ना हेलीकॉप्टर का और पैसेंजर क्रू का, उसको पार्टिकल बनाओ, तो ये 1300 kg एनम और 15, ठीक है। तो सोल्व करो इसको, एफ इक्वल टू देखो 0 0 15 45 54 15 15 4 19, ठीक, प्लस एफ जी है ना, और एफ जी की जगह मैं डायरेक्टली वो लिख दूं क्या, देखो 1300 × 10, सिंपलिसिटी के लिए 10 ले लो जी, तो एफ आर इक्वल टू 1900 + 1300 1 2 3, तो फोर्स ऑन रोटर बाय एयर इक्वल टू देखो 1 2 5, ठीक है, 3 हो गया, 9 3 12 और 2 1 3, तो ये आ जाएगा 3.25 × 10^4 न्यूटन, क्लियर, ठीक है। अब ये देखो फोर्स ऑन रोटर बाय एयर, ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड का ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ डायरेक्शन में है ना, तो ये एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर पे कितना नीचे की तरफ लगेगा, 3.25 × 10^4 न्यूटन, ठीक है। फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर, ये तो निकाली गई, ये ऊपर की तरफ लगेगा 3.25 × 10^4 न्यूटन, समझ में आया दोस्तों, ठीक है।